हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली किचन में। आज हम बना रहे हैं मसूर पुलाव। उसके लिए लिया है हमने 250 ग्राम ये अक्का मसूर, ये मसूर दाल छिलके वाली इस तरह की, और 500 ग्राम चावल लिए, 4 आलू, 4 टमाटर और 3 प्याज, 7-8 हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, 6 चम्मच तेल, दही, 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये सूखे मसाले में 2 तेज़पत्ता, 2 चम्मच ज़ीरा, 2 इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जावित्री और ये फूल। ये गैस पे हमने पतीला रख दिया। अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे, प्याज डालेंगे, प्याज को फ्राई कर लेते हैं। ये प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, 4-5 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया। हम डालेंगे इसके अंदर सूखे मसाले, ये हरी मिर्ची में हमने इस तरह से कट लगा दिया है, हरी मिर्च डालेंगे। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। अब हम आलू डालेंगे, ये आलू हम फ्राई कर लेते हैं, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए पहले हम आलू अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं, 2-3 मिनट हमने आलू को फ्राई कर लिया। अब डालेंगे हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे टमाटर, अब डालेंगे दही, अब हम इसके अंदर डालेंगे अक्का मसूर। इसको हमने पानी में भिगा कर रख दिया था 20 मिनट के लिए, एकदम अच्छे से धो के ले लिया है हमने इसको। ये पुदीना, हरा धनिया डालेंगे। अब हम पानी डालेंगे, चावल से पानी ज्यादा ही रखना है, तो 1 लीटर की बोतल हम पूरा ही डाल देते। अब नमक बताना हम भूल गए थे आपको, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। पानी में उबाल आने देते तब चावल डालेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, चावल हमने धो लिया है। अब डाल देंगे इसके अंदर, इसको हमने भिगो के नहीं रखा था, ये इसको ऐसे ही डालना पड़ता। हम इसको ढककर पकने देते। देखिए हमने ढककर इसको पकने दिया है, पूरा पानी इसका ड्राई होने तक, पूरा पानी इसका सूख चुका है। देखिए अब हम इसको दम देंगे। अभी हमको इसको पूरा पानी सूखने में 7 मिनट लगा है। अब हम ऐसा कपड़ा लेंगे, कपड़ा लगा के
स्किलेट पे इसको दम देंगे 5 मिनट स्लो फ्लेम पे। ये देखिए 5 मिनट हो चुके, हमने इसको दम दिया था, ये दम पे आ चुके हैं। देखिए अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं, गैस बंद कर देंगे। ये लीजिए बनकर तैयार है मसूर पुलाव, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। हमने बारीक वाला चावल यूज़ किया इसमें, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है।